देखो यार, कभी कभार ये होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने फ़ोटोज़ का पीडीएफ बना पाएँ और किसी को हम आसानी से पीडीएफ के रूप में काफ़ी सारे फ़ोटोज़ एक साथ बना के हम सेंड कर पाएँ। इस चीज़ को करना बड़ा ही आसान है। किस तरीके से किया जाता है, चलिए आज के इस वीडियो में यही सीखने की कोशिश करेंगे। हम सारी जानकारी आपको देंगे और आपको यही करना है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ताकि हम आपको पूरी जानकारी बता सकें और आप जो है सारे फ़ोटोज़ का जो है पीडीएफ बना के किसी को सेंड कर पाएँ बड़ी ही आसानी से। किस तरीके से किया जाता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको चले आना है सीधे गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको सीधे यहाँ पे सर्च कर देना है स्मॉल पीडीएफ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे स्मॉल पीडीएफ सर्च करोगे, आपके सामने स्मॉल पीडीएफ की जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर शो होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल पीडीएफ डॉट कॉम ही आपको ओपन करना है, सबसे ऊपर शो होगा, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है ओपन। जैसे ही आप स्मॉल पीडीएफ ओपन कर लोगे, थोड़ा सा ये साइट अपडेट हो चुकी है पहले की अपेक्षा। तो मैंने इस पे इस टॉपिक पे वीडियो जो है पहले ही बनाया था, मतलब इस टॉपिक पे नहीं था, इसी वेबसाइट के बारे में मैंने बताया था उसमें भी। ये कोई वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है ना, तो स्पॉन्सरशिप की कोई वीडियो है। यहाँ पर जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी तो मैंने आपसे सोचा कि मैं शेयर करूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्मॉल पीडीएफ खोलने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है पीडीएफ टू वर्ड, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, मर्ज पीडीएफ है, जेपीजी टू पीडीएफ। यहाँ पे जो आपका फ़ोटो होता है वो जेपीजी के रूप में होता है, तो यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगा कि जेपीजी टू पीडीएफ वाला जो तीसरा ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ से आपको फाइल जो है सारी चूज करनी है, जो जो फ़ोटो आपको बनाने हैं जिस चीज़ के पीडीएफ उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरीके की वीडियो हमेशा देखने के लिए लाल कलर की जो सब्सक्राइब बटन है उस पर आप क्लिक करना। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो साइड में बेल आइकन है उस पर आप क्लिक करना, वहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लेना ताकि जो है हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अभी आप वीडियो को लाइक मत करो, या आपका मन करे तो कर सकते हो, लेकिन आपको वीडियो जब पसंद आएगी, आपको पूरी जानकारी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो बिना लाइक किए मत जाना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे सामने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं। मैं कुछ फ़ोटोज इसमें से चूज कर लेता हूँ जो कि मुझे पर्सनली मतलब कि इसमें पीडीएफ बना के आपको दिखाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ वीडियो जो है कुछ फ़ोटोज़ को मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ अपने गैलरी में। पहले यहाँ पे ब्राउज करने के बाद मैं कुछ जो है फ़ोटोज़ चूज कर लेता हूँ। तो हमारे सामने कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मैं यहाँ पे चूज करूँगा। यहाँ पे ये वाला मैं एक कर लेता हूँ, ये करता हूँ। और यहाँ पर जो है आप जैसे ही चूज करोगे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो है आप इस तरीके से इसको टिक करके चूज कर सकते हो आराम से, बड़े ही आसानी से। उसके बाद आप जो है सेलेक्ट जितना भी आप फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा ही वेट करना है। यहाँ पर वेट करने के बाद आपको ये जो पीला वाला साइन दिख रहा है ये थोड़ा किनारे तक ये जाएगा पूरा यहाँ तक। उसके बाद ये जो कन्वर्ट की बटन दिख रही है ये ब्लू हो जाएगी, ठीक है। ऊपर जेपीजी टू पीडीएफ जो दिख रहा है उसके साइड में कन्वर्ट, इसको ब्लू जब तक ना शो हो तब तक आप इसको जो है इस पेज को बैक ना करिएगा, ना तो कुछ आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको भले इसमें थोड़ा सा वेट करने में टाइम लगे, लेकिन आपको थोड़ा सा करना है। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट की जैसे ही ये बटन जो है ब्लू हो जाएगी, यहाँ पे कन्वर्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कन्वर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे द बेस्ट वेब, यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद जो आपका फाइल है वो पीडीएफ में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे जो आपकी फ़ाइल है वो डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और ये जो फाइल गैलरी में सेव हो रही है या फिर जो भी डाउनलोडेड हो रहे हैं या सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, जो मैंने अभी पीडीएफ बनाए थे, ये मैंने चार चीज़ें सेलेक्ट की थी और चारों चीज़ों का जो है पीडीएफ आराम से यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इस तरीके से उसके बाद मान लीजिए हमें किसी को सेंड करना है तो आप अपने फाइल में से भी सेंड कर सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्टली किसी को सेंड फाइल करके जहाँ से भी आप सेंड करना चाहते हो सेंड कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके की वीडियो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, मैंने आपसे पहले ही कहा था। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। लेकिन अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।